स्टार्टअप स्पॉटलाइट। डाइस न्यूज के इस वीकली बुलेटिन में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की लेटेस्ट खबरें। दिल्ली कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए न्यू स्कीम को मिली मंजूरी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर स्कीम 2023 को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का एम दिल्ली में सस्टेनेबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना है। इस स्कीम से दिल्लीवासी और एनवायरमेंट दोनों को ही अच्छा खासा फायदा पहुंचेगा। सीबीडीटी का नया सर्कुलर, डीपीआईआईटी रजिस्टर स्टार्टअप्स को नहीं देना होगा एंजल टैक्स। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स पर चल रही कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर जारी किया है। The CBDT has stated in the circular that the provisions of angel tax will not be applicable to startup companies that are recognized by DPIIT. To avail this benefit, the combined value of paid up share capital and share premium of the startup after issuing or proposing to issue the shares should not exceed rupees 25 crore. AI और semiconductor innovation को बढ़ावा देने के लिए MIT और IBM ने की साझेदारी। टेक जॉइंट IBM ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ 3 MOU साइन किए हैं। इस पार्टनरशिप के तहत IBM और MIT साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग सेक्टर में काम करने को बढ़ावा देंगी। The move assumes significance as India is taking decisive steps to position itself in cutting-edge new technologies across the world. Employment boost करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया iStar Talent Connect पोर्टल। राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने आई स्टार्ट राजस्थान इनिशिएटिव के अंतर्गत आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स को मिलाने के लिए एक मीडियम की तरह काम करेगा। जहां जॉब सीकर्स इस पर अपने लिए रेलिवेंट जॉब सर्च कर सकेंगे, वहीं जॉब गिवर्स अपने इस प्लेटफॉर्म पर न्यू जॉब पोस्टिंग भी कर सकेंगे। बता दें कि आई स्टार्टअप 2017 में राजस्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए लॉन्च की गई एक स्कीम है। अब आप रेल यात्रा के दौरान भी कर सकेंगे जोमैटो से खाना ऑर्डर। IRCTC ने हाल ही में फूड डिलीवरी जॉइंट जोमैटो के साथ एक पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत अब पैसेंजर्स ट्रेन में IRCTC ई कैटरिंग पोर्टल से वैरायटी फुल खाना ऑर्डर कर सकेंगे। फिलहाल इस सर्विस को 5 रेलवे स्टेशन यानी न्यू दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में लॉन्च किया गया है। स्विगी की वैल्यूएशन में बढ़त, साथ ही फूड डिलीवरी पर लगेंगे न्यू प्लेटफॉर्म चार्जेस। इन्वेस्को ने स्विगी की वैल्यूएशन को $7.85 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इस साल के फर्स्ट हाफ में स्विगी की वैल्यूएशन में आधे से भी अधिक की गिरावट देखी गई थी। जहां एक तरफ अब वैल्यूएशन में बढ़त हुई है, वहीं स्विगी ने अपने फूड डिलीवरी चार्जेस में अब से ₹2 प्लेटफॉर्म फी लगाने का ऐलान किया है। जी हां, अब आपको हर स्विगी ऑर्डर पर ₹2 एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्जेस देने पड़ेंगे। कॉन्वर्जेशनल पेमेंट्स के लिए NPCI जल्द ही लॉन्च करेगा AI भाषिनी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया लॉन्च करेगा। भाषिनी नाम के इस AI की हेल्प से NPCI 22 लैंग्वेजेस में कॉन्वर्जेशनल पेमेंट सर्विसेज प्रदान कराएगा। यूजर्स विल बी एबल टू चेक बैंक बैलेंस, मेक B2B मनी ट्रांसफर, बुक LPG सिलेंडर्स, रिचार्ज फास्टैग एंड अदर सच सर्विसेज। वेजिटेरियन लोगों को नॉन वेज फूड डिलीवर करने पर जोमैटो और मैकडॉनल्ड्स पर लगा भारी जुर्माना। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ने जोमैटो और मैकडॉनल्ड्स पर जॉइंटली ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया है। बता दें कि ये फाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत एक वेज कस्टमर को नॉन वेज फूड डिलीवर करने के लिए लगाया गया है। द केस पर्टेन्स टू अ कस्टमर हु प्लेस्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स व्हिच वाज डिलीवर्ड थ्रू जोमैटो। ऑनलाइन सर्च को इजी बनाने के लिए गूगल ने लॉन्च किए न्यू AI फीचर्स। गूगल पहले ही जनरेटिव AI एनेबल कर चुका है और अब हाल ही में गूगल ने इंडिया में AI एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए न्यू फीचर्स भी लॉन्च किए हैं। गूगल्स जनरेटिव AI एक्सपीरियंस वुड हेल्प यूजर्स इन इंडिया टू इजीली नेविगेट एंड एक्सेस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ओवर 100 गवर्नमेंट स्कीम्स। गूगल लॉन्च इट जनरेटिव AI सर्विसेज जस्ट 2 months अगो। LinkedIn और Google backed Adda 24/7 ने किए मैसिव लेऑफ्स अनाउंस। जॉब मार्केट में अनस्टेबिलिटी अभी तक जारी है। हाल ही में LinkedIn ने लगभग 700 एम्प्लॉइज को जॉब से हटा दिया है। The job cuts at LinkedIn will affect engineering, talent and finance teams. वहीं Google backed vernacular learning platform Adda 24/7 ने भी लगभग 250 से 300 एम्प्लॉइज को जॉब से हाल ही में हटा दिया है।
तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। अब मैं आपसे मिलूंगी स्टार्टअप स्पॉटलाइट में अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइस टीवी। आई वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर ग्रेट नेटवर्क। फॉर मोर एंगेजिंग कॉन्टेंट फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। Find all the links in description. Let's stay in touch and stay tuned here.